कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अभी 2 दिन पहले विभाग के 9 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि कृषि निदेशक इसमें कैसे बच गए हैं, उन्हीं के देखरेख में पूरा विभाग काम कर रहा है और उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल उनका 2 पत्र भी सामने आया है जिनमें उन्होंने लिख करके बाकायदा कहा था कि इन्हें कंपनियों को काम दे दिया जा सकता है बिना टेंडर के। अब उनके ऊपर भी सवाल उठे हैं तो विभाग के सूत्रों का कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और मंत्री की भी नज़र उनके ऊपर बनी हुई, सरकार के ऊपर नज़र है कि ऐसे अधिकारी को की जांच करके और कार्रवाई की जानी चाहिए। लखनऊ से दिलीप शुक्ला।